अरे दारा, अरे बाबा किधर घूमे यार, हमसे तो ईद भी नहीं मिला है तुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। खैर मुबारक तुमको भी। अरे तुम आज भी बकरियां चराने जा रहे हैं ना? जान मोहम्मद, तुमको तो पता है ना। यार दारा तुम भी ना, बस ठीक है जाओ, लेकिन देखो शाम को मिलना जरूर है इंशाल्लाह। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दारा ने बकरियां चराते चराते कोई आधी सदी गुजार दी थी। उसने कभी छुट्टी नहीं की। गांव भर के बकरियों के मालिक सुबह सुबह अपनी बकरियां उसके पास छोड़ जाते थे कि वो दिन भर चरेंगी तो शाम को दूध भरे थन लेकर वापस आएंगी। दारा की एक बेटी है नूरी। उसकी बीवी उसके बेटे मीर बख्श को जन्म देते ही चल बसी, लेकिन दारा हर रोज इतनी मेहनत सिर्फ अपने और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए नहीं करता था। असल वजह उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी को ऐसी शान और शौकत से रुखसत करना चाहता था कि पूरा गांव आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहे। सब ये सोचें कि एक गरीब चरवाहा अपनी बेटी को बादशाहों जैसा जहेज कैसे दे सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये ख्वाहिश एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। वीराने के इस गाँव में बकरियाँ चलाने के अलावा कोई ऐसा जरिया दारा को समझ नहीं आता था जिससे वो अपनी बेटी के जहेज के लिए पैसे जमा कर सके। इसीलिए दारा ने साल का हर दिन, हर जागता हुआ लम्हा अपने जुनून को पूरा करने के लिए वक्फ कर दिया था। बस अब्बा, वो हिसाब किताब होता है ना मदरसे में, और रास्ता भी लंबा है, तो रात हो जाती है आते आते। थक भी जाता हूँ अब्बा, फिर आते ही सो जाता हूँ। बुरा लगता है अब्बा जब तू बकरियां चराता और मैं नहीं चरा पाता। कोई बात नहीं, तू बस अपना काम कर, पानी मेहनत कर। कहाँ जा रही है बेटा? इधर बैठ मेरे पास। अच्छा तू भी आ। और सुनाओ दारा, कैसा गुजरा है आज का दिन? आज गर्मी कितनी थी यार। दारा इसने मुझे बुलाया, गांव आ जाओ, मौसम बहुत प्यारा है यार। तो भाई इतनी गर्मी, जब से आया हूँ छांव ही ढूंढ रहा हूँ। अरे जान साई, जब से तुम आया है ना गर्मी पड़ गई है, वरना पहले इतना अच्छा मौसम था। दारा से पूछो, रात में इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, क्यों दारा? अरे यार इससे क्या पूछता है, अजीब आदमी है यार। बर्फ पड़ी हो या आग बरस रही हो, सुबह सुबह नमाज पढ़ता है, रेवड़ लेकर निकल जाता है। कसम से पिछले 20 सालों में हमारे को याद नहीं पड़ता है कि इसने कभी नागा भी किया है। अरे ये तो ईद पर भी छुट्टी नहीं करता है। हमारे को अच्छी तरह याद है दारा, जब तुम्हारी बीवी फोत हुई थी तो तुम उसको दफना कर आया, फिर रेवड़ लेकर निकल गया। जान साईं, बकरियों को इससे क्या कि भला कोई मर गया है या फिर ईद का दिन हो, उनको तो बस खाना होता है ना। लेकिन जान साई बात कुछ और है, दारा ने अपनी बेटी को शान और शौकत से रुखसत करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, पैसे जमा कर रहा है, इसलिए कभी नागा नहीं किया है। वो असल में जान साई, मैं एक बड़ा ही सादा आदमी हूँ। आप मेरा घर तो देख ही रहे हो ना,
मैं भी अपनी बेटी को सादगी के साथ ही रुखसत करता, लेकिन अगर अगर उस दिन वो बेगा मुझे ताना ना देता। ओए दारे, भले तेरी बकरियों का रेवड़ मेरी बकरियों से बड़ा ही सही, लेकिन जिस शान शौकत से मैंने अपनी बेटी को रुखसत किया ना, तू कोशिश करेगा तो खून ही थूकने लग जाएगा। क्या हुआ भाई, तू तो अभी से खून थूकने लग गया। यार दारा, उस पागल के कहने पर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है यार, उसको मैं जानता हूं अच्छी तरह। बस जान साई, बस उस दिन मुझे बेगा की बात लड़ गई थी, आज तक नहीं भूला मैं, भूलूंगा भी नहीं। जबकि मुझे पता है कि बेगा अपनी झूठी शान और शौकत के चक्कर में कर्ज तले दब चुका है अभी तक, और शायद शायद वो अपनी पूरी जिंदगी कर्ज ही चुकाता रहेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, ना ना, मैं अपनी मेहनत से पैसे जमा करूंगा, अभी तक कर रहा हूं, और अब तो मेरा बेटा भी मेरी मदद कर देता, चार पैसे कमा के वो भी घर को ले आता है। मौलाना साहब के मदरसे में मुंशी जो है, बस यूं समझ लो कि पैसे भी जमा हो चुके, अब आप लोगों की दुआ चाहिए ताकि ताकि मैं अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कर सकूं। नमाज में वो अपने खुदा से मुलाकात करता और दुआ मांगता, लेकिन दुआ से बढ़कर माफ़ी भी मांगता, क्योंकि उसको दुख और मलामत होती कि वो ऐसे लोगों से भी चरवाही के पैसे लेता है जो मुश्किल से एक वक्त की रोटी खाते हैं। उसको लगता कि वो उनका गला घोंट रहा है, मगर वो मजबूर था, अगर पैसे ना लेता तो नूरी का जहेज कहाँ।
ब्याह में 3 रोज रह गए दारा, कुछ कर। मैं क्या करूं मेरा, क्या करूं? तेरा बाप अपनी जबान से नहीं हिलेगा, और मेरा बाप, मेरा बाप तेरे अब्बे का इतना एहसान मंद, इतना मकरूज है कि वो इस बात को सुनकर मेरा गला घोट देगा। लेकिन मेरा किस किस से, कैसे कैसे लड़ेंगे पता? मैं भी तेरे बगैर मर जाऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि तू जिंदा रहे। तू कर ले ब्याह, हाँ तू बसा ले अपना घर जहां तेरा अब्बा चाहता है। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरा। छोड़ देगा मुझे, छोड़ देगा? तेरे हाथ कितने ठंडे हैं। अरे मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगी। अरे तुम्हारे हाथ क्यों इतने ठंडे हो रहे हैं? ऐसे तो मरने वाले के ठंडे हो रहे थे। अरे छोड़ो मेरा हाथ, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अरे वो तो हमको देखकर ही भाग गया था। अल्लाह का नाम लेकर निकल रहा हूं मैं सुबह रुवेल के लिए बेटी का जहेज लेने। ये तो बड़ा खुशी का बात है। इंशाल्लाह 3-4 दिन में वापसी है। बेफिक्र होकर जाओ, अल्लाह तुम्हारे को खैरियत से लेकर जाए। लेकिन ध्यान से, तुम पहली दफा शहर जा रहे, हमने सुना है शहर में बड़े चोर उचक्के होते हैं। हाँ हाँ, तुम बस जरा मेरे रेवड़ का ख्याल रखना। बेटा मदरसे में होता है ना, तो चारा वारा देख लिया करना। बहुत ला के रखा है मैंने, और तुमको रेवड़ को चराने की भी जरूरत नहीं है। अरे तुम बेफिक्र होकर जाओ, बेटी का जहेज लेकर आओ। इधर की फिक्र छोड़ो, हम है ना, बस अल्लाह तुमको खैर खैरियत से लेकर जाए और खैर खैरियत से वापस लेकर आए, बस। आमीन
आमीन। अदा, सलाम अलैकुम। वो यहाँ काजी हफीज, वो जो सुनार है ना यहाँ का बहुत बड़ा, उसकी दुकान किस तरफ मिलेगी अदा? अब हाँ, तुम ऐसा करो, इधर से सीधा जाओ, तुम उल्टे हाथ पे मुड़ेगा उधर, हाँ हाँ उधर बड़ी लंबी गली है, गली पार करेगा तो बाजार आएगा, वहाँ सफेद मस्जिद है, उधर किसी से भी पूछो वो तुमको बताएगा। अदा शुक्रिया। अब और वो चारपाई और अलमारी के लिए यहाँ कौन सी दुकानें होंगी? बाबा साईं, अब बात कुछ ऐसी है कि जगह छोटी तो है नहीं, तो उधर हाजी साहब के पास जिधर सुनार की दुकान पे जा रहा है ना,
उधर तुम हाजी साहब से या उधर मार्केट से मालूम करेगा तो तुमको पता लग जाएगा उधर किधर है फर्नीचर की दुकान। दारा ये तुम हो? मेहरा, मेहरा ये सचमुच तुम हो? तू चल मेरे साथ। दारा को यकीन नहीं आ रहा था कि मरिया ही है, लेकिन इतने ठंडे हाथ सिर्फ उसी के हो सकते थे। ये तेरा घर है? मेरा। चल मैंने तुमसे कहा था ना धारा, तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी, लेकिन मैं बेहया अभी भी जिंदा हूं। मेहरा, मैंने भी तो तुझसे यही कहा था ना, पर देख मैं भी तो तेरे बगैर शर्मी से जिंदा हूं। बाज इंसान बस यूं ही उम्र कैद की जिंदगी गुजार रहे होते, यही समझ मैं और तू भी उम्र कैद सी जिंदगी गुजार रहे। तू तो अब भी जवान है, थोड़े बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ, चेहरा तो जवान है ना। मुझे देख, हड्डियों पे जैसे खाल चढ़ी हुई है, आधी सेहत तो इसका चरसी बाप खराब कर गया और आधी इस फिक्र में खराब हुए जा रही है कि इसको रुखसत कैसे करूंगी मैं। शक्लो सूरत की अच्छी है तो नहीं कर दी मैंने, पर लड़के वाले अब कहते हैं कि सेवर कपड़ा और तवा परात के बगैर ब्याह कर ले गए तो लोग क्या कहेंगे, भिकारन ले आए। कहते हैं कम से कम 20,000 रुपए का जहेज चाहिए, फिर मुझ बदबख्त के पास तो 20 रुपए नहीं है। तुम देखना धारा,
चंद साल में मुझसे ज्यादा पूरी लगने लगेगी है। बस ऐसी बात का रोग खाया जा रहा है मुझे। तू मेरे रोने से घबरा तो नहीं गया? मैं तो आधा भी नहीं रोई जितना तेरे सामने मुझे रोना चाहिए था। मुझ बदबख्त ने तुझसे लस्सी पानी का भी नहीं पूछा, अपना ही रोना लेके बैठ गया। हैरा तू क्या समझती है, मैं तेरे हाल से बेखबर था क्या? हाँ चल अपना हाथ आगे कर। अरे कर तो सही बेटा, ये ले ये तेरे। अरे सुन, ये 35,000 रुपये, 25,000 इसके जहेज के और 10,000 मेरी मिरिया बेटे की बारात की दावत के। धारे तू क्या कर रहा है ये? अपनी बेटी का हक मेरी बेटी को? क्यों, क्या तुम्हारी बेटी मेरी बेटी नहीं है? देख ले मेरा नकद सौदा कर रहा हूं। नकद सौदा? कैसे, कैसा नकद सौदा? सुन, तू कह रही थी ना अभी कि मिरिया का बाप नहीं है, तो अब बता ये तेरे सामने अब कौन खड़ा है? मैं मिरिया का बाप हूं और वो गांव में जो मेरी नूरी बेटी है ना, उसकी मां नहीं है। लेकिन अब
अब तेरी सूरत में उसे उसकी मां मिल गई। अब तू ही बता, तू बताना है ना नकद सौदा या नहीं? है